शहरों की बढ़ती आबादी, सड़कों पर तेजी से बढ़ती गाड़ियों की तादाद और इन सबके बीच एक रिपोर्ट कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कम कर रहे हैं। सरकार और दूसरी सिविक एजेंसियों से यह अपील करती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन हो इसका सीधा उल्टा हो रहा है। तो आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी या फिर बेतहाशा बढ़ती शहरों की आबादी या फिर लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं? हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम होता इस्तेमाल, तेजी से बढ़ रही कार बाइकों की संख्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किनारा क्यों कर रही जनता, क्या आबादी की रफ्तार से पीछे रह गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सरकार और एजेंसियां अपील करती रहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो, जाम कम लगे, पार्किंग की दिक्कतें कम हो, प्रदूषण कम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सफर करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 तक देश के प्रमुख शहरों में 60 से 80 फीसदी तक यात्री सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए यात्रा करते थे, लेकिन 2007 में ये आंकड़ा घटकर 40 से 55 फीसदी रह गया, 2011 में 30 से 45 फीसदी और 2018 में ये आंकड़ा घटकर महज 25 से 30 फीसदी ही रह सकता है। जनता ट्रेन या बसों के बजाय अपने टू व्हीलर्स या फिर कार से चलना पसंद कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर भाग रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह सिटी बस के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ना होना है। बीते 4 सालों में बसों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन बाइक और कार से चलने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 10 से 15 सालों में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों में रैपिड मेट्रो के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन ये गति खासी कम है। वही 2014 से 2017 के बीच दोपहिया वाहनों और कारों की संख्या में सालाना 8 से 10 फीसदी का इजाफा हुआ है, जबकि बसों की संख्या जो कि 0.2% 2014 में थी, वही 2017 में भी रही। ऑटो सेक्टर में बूम के साथ ही सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले यात्रियों का अनुपात लगातार कम हो रहा है। ट्रेन और बसों की बजाय लोग दोपहिया वाहनों और कार के जरिए सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी का जिम्मेदार कौन है? एक्सपर्ट इसके कई कारण मानते हैं। पिछले 4 सालों में बसों की संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, साथ ही जो सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं उनकी हालत भी खस्ता है। साथ ही बड़े शहरों में लोग कैब का खासा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे शहरों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ा है। साथ ही शहर के दूर दराज इलाकों में न बस सर्विस है और न ही मेट्रो। दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा निजी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। बसों की संख्या बढ़ाने की कवायद कहीं थम सी गई है। सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल में करोड़ों रुपए खर्च कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 7 नए बस डिपो तो बनाए गए, लेकिन अभी तक इन डिपो से बसों का परिचालन पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि बसें ही नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बेहद खराब होती जा रही है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना अब ना के बराबर पसंद करते हैं। साथ ही बढ़ती आबादी का बोझ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एटी केयरनी फर्म की इस रिपोर्ट का हवाला लेकर ये कुछ आंकड़े हमने आपको दिखाए कि कैसे 1994 से लेकर साल 2018 यानी वर्तमान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल है वो लगभग 50% कम हुआ है। मतलब लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, सरकार प्रशासन भरपूर कोशिश करता आ रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये पूरा होता हुआ ऐसा कुछ भी प्रयास नजर नहीं आ रहा है। क्या इसकी वजह हो सकती है और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर PK सरकार, निदेशक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सेवाराम है, प्रोफेसर है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। साथ ही सुजीत पटवर्धन जी, ट्रस्टी परिसर NGO। सर, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। डॉक्टर PK सरकार, मैं आपसे
आपकी राय समझना चाहूंगी, आपके व्यू में जो ये फर्म है जिसने सर्वे किया कि पिछले 24 सालों में आधा मतलब 50% लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े शहरों में इस्तेमाल करना कम हुआ है, आप इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं? देखिए, पहले सबसे तो बड़ा मुद्दा है जैसे पर्सनलाइज्ड व्हीकल, कार, टू व्हीलर, मोटराइज्ड व्हीकल जैसे इंक्रीज से बढ़ रहा है वो, और उसका साथ साथ आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वो कम हो रहा है दिन के दिन। जैसे आप एक नमूना तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करीब करीब 8,000 करीब करीब था, आप घाट के करीब करीब 4,000-4,500 हो गया। सो एंड उसी हिसाब से कोई प्रयास बोल रहा है, गवर्नमेंट कर रहा हूँ, बट 3-4 साल में कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा नहीं, ऐसे बसेस संख्या इंक्रीज हो रहा है। सो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है आपका जो इतना जो हाल में गाड़ी बढ़ गया वो उसका हमारा जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, उसका जो कंफर्ट लेवल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पूरा प्रैक्टिकली ना बराबर ही है। आप दिल्ली में देखिए, मैं मेट्रो में जाने के लिए प्रयास करेंगे, मेरा घर से मेरा लास्ट माइल कनेक्टिविटी फीडर सर्विस का जो फॉर्म में वो नहीं मिलता है। अब मैं ऑटो रिक्शा में जाऊंगा तो मेरे को 20-25 रुपए ऐसे ही देना पड़ेगा। सो ऐसे हिसाब से सोचते हैं, मेरा पास कार है, टू व्हीलर है, उससे खर्चा कम होगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ये सबसे एक बड़ा नमूना है। उसी हिसाब से दिन का दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिसाब जो आप जो बोल रहा है 50% से नीचे हो रहा है। दिल्ली में 40% करीब करीब है, ये लगता है उसका नीचे हो सकता है। मैं ओनली विचार है, सारा शहर में मैं देखा, स्टडी किया, कलकत्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर थोड़ा ज्यादा है, एंड आउट जो शहर है सब जगह में 40% के नीचे है। बॉम्बे थोड़ा बेटर है, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। कब जगह में BRT इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया था, उसी में वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। सो एज सच आप और एक सबसे प्रॉब्लम है, मैं कोई बस में जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे पता चलेगा बस ठीक टाइम में आएगा? रिलायबिलिटी नहीं है। देन आपका ये जो मुद्दा है, मैं जो बस में जाएंगे थोड़ा बस जगह मिलेगा बैठने के, वो सर्टिनिटी नहीं है। इसलिए जो प्रैक्टिकली दोज आर एक्चुअली एफ्लुएंट और अपर मिडिल क्लास, मैं ये देखता हूँ वो पसंद करता है ये बस के जाने में तो ना बराबर है। सो इट इज बेटर टू मेक यूज ऑफ हिज ओन कार, इसके लिए कंफर्टेबल ज्यादा है। ओके सर, आपने कुछ इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने रखे हैं कि आपके व्यू में क्या रीजन हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सनल व्हीकल्स जो हैं, जो लोग खुद की गाड़ियां हैं उनकी तादाद बढ़ी है, लोगों की संख्या भी, पॉपुलेशन की बात करें वो भी बढ़ी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस संख्या से नहीं बढ़ा है। तो कहां पर इस पूरी प्लानिंग में कमी आई? डॉक्टर सेवाराम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब अगर हम इस पूरे सर्वे को देखते हैं पिछले 24 साल में, अगर एज अ सिटी, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, लखनऊ की बात करें, जयपुर की बात करें, लोगों की संख्या अगर बढ़ी उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ना चाहिए। अगर सरकार या प्रशासन ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पर जो सरकार और प्रशासन है उन्होंने क्या किया, क्या काफी किया गया है लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने के लिए? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एक पीछे जाना चाहूंगा। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, ये बहुत जरूरी होता है उन एरिया को कनेक्ट करना जो बहुत दूर है, जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक इसका अच्छा उदाहरण मैं पहले दूंगा कि हम नेगेटिव चीज़ ना जाएं, तो ये मुंबई के पास में नवी मुंबई एक शहर आने बाने वाला था, तो जब नवी मुंबई बसा है तो नवी मुंबई में आप विश्वास करेंगे अलग अलग सेक्टर आए नहीं थे उससे पहले, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल की कनेक्टिविटी को दिया गया। तो मतलब एक उदाहरण सेट किया गया। बहुत सारे हमने डेवलपमेंट किया, नोएडा बढ़ता चला गया, गुड़गांव बढ़ता चला गया, हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो शहर आगे बढ़ रहे हैं ये यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि इन शहरों में वही आया जिनके पास अपने प्राइवेट वाहन था, और आज की तारीख में भी ये है कि बहुत सारे एरिया दिल्ली के भी अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको और स्टैटिस्टिक्स में देता हूँ। देखिए, 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क तैयार किया था
कि अगर हमारा 1 से 2 लाख का, हमारा 1 से 2 मिलियन का सिटी है तो हमारा 50 से 60% हमारा शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए, और उन्होंने बोला था 5 मिलियन के ऊपर है वो 70 होना चाहिए। आज हम उसकी डेट में आधा भी नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एक्चुअली आप जी बिजनेस को मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप नीति आयोग का करंट मॉडल उठा के देखें वहाँ पर एक वर्ड ही लिखा हुआ है कि हमें ये बिजनेस मॉडल फॉलो करना है। बिजनेस मॉडल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें जो कनेक्टिविटी है, कन्वीनियंस है, सेफ्टी है और इंक्लूसिवनेस है कि मतलब सब लोग उसमें जाएं, सुरक्षा हो और एक एक जो ईंधन है वो भी हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो ये बहुत जरूरी है। इन 5 इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो ये 5 के 5 इंडिकेटर्स तो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिलते नहीं है। वो कन्वीनियंस भी नहीं है, लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सेफ्टी का सवाल नहीं उठता है। सर आपने तो बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स को नीति आयोग की अगर आप करंट मोबिलिटी के ऊपर एब्सोल्युटली सर आपने बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स अगर आप इनको देखेंगे तो उन्होंने बोला कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे यही रीजन है कि आप सडनली आपने मेट्रो में फेयर बढ़ा दिया तो आपका डॉक्टर इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। और मैं सुजीत सर के पास जाऊंगी। सुजीत सर, हमने 2-3 बार दिल्ली में ऑड इवन देखा, वैसे एक अच्छा एग्जाम्पल एक नवी मुंबई का दिया डॉक्टर राम ने भी, बट दिल्ली में जब ऑड इवन की शुरुआत की गई सबके मन में ये खौफ पैदा हो गया कि हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे कहीं पर, मेट्रो में भीड़ बढ़ जाएगी, उतनी बसेस जितनी चाहिए प्लस बस क्लस्टर में उतनी बसेस ऐड नहीं की गई। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं उसको कोट कर रही हूँ, लोगों के अब उतने ऑटोज होंगे कि नहीं होंगे, ओला उबर जैसे जो जितने भी ये कैब सर्विसेज होती है लोगों पे ज्यादा चार्ज करेंगे, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो ये लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम इस्तेमाल करें तो वो कितना कर पाएंगे, उतने है भी कि नहीं है उतना। तो शहरों की फॉरवर्ड प्लानिंग सर क्यों नहीं होती है, ऐसे मोमेंट पर ही अचानक से हम क्यों सोचते हैं ठीक है इतने बसेस ऐड कर लेंगे, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। 2018 में ही हम 2030 तक की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? सुजीत सर देखिए, अपने प्लानिंग में तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और सरकार की नीतियाँ भी कहती हैं, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हुई उसमें भी कहा है कि ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि बात तो चल रही है उसके बारे में लेकिन बसेस बढ़ नहीं रही हैं, बस के लिए जो डेपो चाहिए उतने बहुसंख्यक शहरों में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो फाइनली क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए जिसकी इच्छा है वो आदमी, जिसको खुद की गाड़ी अफोर्ड नहीं होती है, उनको अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा मिलती नहीं है। अभी मैं पुना की बात करता हूँ, पुना में बहुत बसेस बंद पड़ती हैं यात्रा के दरमियान, तो ऐसा होगा तो लोग जल्दी से जल्दी अपनी 2-व्हीलर लाने के पीछे पड़ेंगे। और सरकार की जो नीतियाँ हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा क्योंकि असल में ऑन द ग्राउंड ज़्यादा कुछ किया गया नहीं है। बसेस बहुत कम हैं, डिपोज नहीं हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो ये सब होते हुए लोग ज़्यादा कैसे पसंद करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाना। ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने में कंजेशन, पोल्यूशन, एक्सीडेंट्स सभी में आपको एडवांटेज है अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा प्रवास करें, पर उसको करने के लिए उसकी सेवा और उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी, इन सब में ज़्यादा परिवर्तन आने की आवश्यकता है, वो नहीं हो रहा है। और ये सामान्य आदमी तो कुछ कर नहीं सकते, सरकार ही कर सकता है, तो वो किया गया नहीं है बहुत संख्या शहरों में। और कार बढ़ती जाती है तो उनके लिए फ्लाईओवर बांधे हैं, रास्ते बड़े किए हैं, तो जो कार इस्तेमाल करता है, 2-व्हीलर इस्तेमाल करता है, उसके लिए अगर कठिनाइयां आए रास्ते में तो वो तो सरकार दूर कर रही है, बड़े रास्ते बना के, फ्लाईओवर बांध के, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो रहा है, ये उसका मुख्य कारण है मुझे लगता है। तो मतलब यूनानिमसली हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि जिस संख्या से लोग बढ़ रहे हैं उस संख्या से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ रहा, क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लास्ट मैन कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आखिरकार इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट पैनल सर आपकी बात डेफिनेटली प्रशासन और सरकार तक जाएगी और इसके लिए कुछ एक प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग की जरूरत होगी। इसलिए मैं डॉक्टर पीके सरकार आपसे शुरू करूंगी,
क्योंकि जो डेटा है वो ये भी कहता है 2014 से 2017 इन 3 सालों में कार और बाइक की संख्या सालाना 8 से 10% बढ़ी है, वहीं बसों की संख्या 0.2% बढ़ी है। मतलब आप ये दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए कि किसकी जरूरत कितनी है और हमें अभी फिलहाल आगे अब क्या करने की जरूरत है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई या बाकी बड़े शहरों की बात करें, प्लानिंग में कैसे बदलाव की जरूरत है, लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, उनको इंकरेज किया जाए। तीन अभी से स्टेप्स कौन से तीन लिए जाने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा जे अभी जो एक नॉर्म्स है जनरली 1 लाख आबादी के लिए आपका 100 बसेस चाहिए, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। दिल्ली के तो काफी रिक्वायरमेंट है, मोर देन 15,000 बसेस। अभी मैं 2-3 साल पहले ही बोल रहे थे मिनिमम 16,000 बसेस इमीडिएटली जरूरत है। सो अभी जो नीड ज्यादा हो गया, मैं तो पहले ही सोचेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट तो सोच रहा है 10,000 बसेस, मैं तो बोलेंगे 15,000 बसेस लीजिए। साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा है रूट रैशनलाइजेशन, वो रूट रैशनलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, कौन से एरिया कैसे जोड़ेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका बसेस लॉस में रन करेगा। हम लोग सारा दुनिया में देखा, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डू नॉट रन विद प्रॉफिट। सो इसके लिए हमारे सब जगह में कोशिश करता है गवर्नमेंट, सब्सिडी देता है, सब्सिडी बहुत हो जाता है, इसलिए बस चलाना मुश्किल हो जाता है। सो रूट रैशनलाइजेशन जब से साउंड नहीं होगा, साइंटिफिक प्लानिंग नहीं होगा, 15,000 बसेस तो ठीक तरह से नहीं यूटिलाइज होगा, उसका लिए आपका लॉसेस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज ए नंबर वन सोल्यूशन। एंड उसके साथ 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 देखेंगे ऑल मेट्रो स्टेशन के साथ अच्छे तरह से कनेक्टिविटी हो जाए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए बेस्ड ऑन द डिमांड, नंबर टू। नंबर थ्री है आपका जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनको अच्छे तरह से उपयोग करना, अप्लाई करना चाहिए। सो मैं बस में लेना चाहता हूँ तो पता चल जाएगा कितना टाइम में मेरा बस स्टॉप में बस आ रहा है, कौन सा बस रूट नंबर आ रहा है, एंड उधर में मेरा जगह मिलेगा कि नहीं, उसी हिसाब से मेरा ये कन्वीनियंट, ये जरा मुद्दा मिल जाए तो मेरा 5 मिनट जाने के पहले मैं इमीडिएटली मैं बस स्टॉप में जाएंगे। हमारा बस स्टॉप में बहुत जगह में बीम डेवलप हुआ, इसका मतलब है योर बस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसी हिसाब से सब बस स्टॉप में पता चल जाता है एग्जैक्टली कौन सा बस आ रहा है, कितना टाइम में आ रहा है। सो ये जानकारी हो जाएगा, बस कितना बस किसी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस में, जो इवन अपर मिडिल क्लास कोशिश करेंगे बस में जाने, बिकॉज हमारा खुद गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, ईज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। राइट सर, मतलब जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाया जा सकता है, हमारे फोन तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, और जितना एक्सेसिबल, जैसे बीच में खबर ये भी आई थी कि मेट्रो बस इन सब में एक ही पास जारी किया जाएगा, मतलब आपको अलग से बस का टिकट या पास लेने की जरूरत नहीं, उसको रिचार्ज कीजिए, आप मेट्रो में भी दिखा सकते हैं और बस में भी दिखा सकते हैं। ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, ये अगर अच्छे से चालू कर दिया जाए तो हर शहरों में, एब्सोल्युटली सर, हर शहरों में कितना आसान होगा लोगों के लिए कि हाँ अगर मेट्रो में ट्रैवल करें तो बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए बसों की संख्या तो बढ़ाएं। बट एक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो कहते हैं 31 मार्च 2018 तक कितनी रजिस्टर्ड गाड़ियां, करीब 1.75 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां, गाड़ियों की संख्या देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, और इसमें पब्लिक सर्वे बस सिर्फ और सिर्फ 23,829। ये आंकड़े देखकर भी हैरान आप हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर सेवाराम, ये भी क्या एक रूल बना देना चाहिए कि एक घर में कितनी गाड़ियां होनी चाहिए? हम खासतौर पर दिल्ली जैसे शहरों में देखते हैं कि घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों की 4 अलग अलग गाड़ियां हैं, या 4 लोगों की 2 गाड़ियां हैं, तो मैक्सिमम 2-2 गाड़ियां हर कोई रखता है, और एक स्टेटस इशू भी लोगों का हो गया है कि भाई जो घर का मेल मेंबर है वो अलग गाड़ी में जाएगा, फीमेल मेंबर है अलग गाड़ी में, बच्चों को गाड़ी अलग गाड़ी छोड़ने जाएगी, इस पर भी एक रूल होना चाहिए। देखिए, आप इस बात से सरप्राइज होंगे
कि ये डेटा और सब एक्सपर्ट इस बात से एग्री करते हैं कि जहाँ पर भी व्हीकल की जो हमारी ओनरशिप है वो बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, और जहाँ कुछ एरियाज है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं और वहाँ पर एक ही माध्यम है आपके पास कि अपने वाहन से आप जा सकते हैं, तो आपकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी बहुत ड्रास्टिक फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, हम एक्चुअली जहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं बाहर का कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये है, इतने व्हीकल ओनरशिप होने के बावजूद भी वहाँ पे पैरेलल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा रहता है। लेकिन मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए कि उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो स्लोगन, मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूँ कि डोर टू डोर, डोर टू डोर, अगर ये जितने भी, जैसे आपने मेरी बात को खुद बोला है कि अगर हम जितने भी मोड्स हैं उनमें आपस में इंटीग्रेट किया जाए, और यही एक कंसेप्ट फिर नीति आयोग ने फिर लिखा है उसको बिजनेस मॉडल में कि आने वाले टाइम में आपका बड़ा, आप बहुत सरप्राइज होंगे कि उन्होंने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उन्होंने ये बड़ा स्लोगन बड़ा क्लियरली उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्ड मोबिलिटी होगा, व्हीकल आपके साथ शेयर होंगे, वो टाइम आने वाला है जहां पर आप अपने वाहन को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि आने वाले टाइम पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेंचमार्किंग को तैयार करना पड़ेगा। ये काम नहीं चलेगा जैसे अभी हम इतनी बसेज अगर हम ऐड कर देंगे, बसेज ऐड कर देंगे फिर वही कंसेप्ट होगा, फिर हम बोलेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो है नहीं। लेकिन जब बस को एक कंजेशन में ट्रैप होना ही है तो मुझे क्या एडवांटेज हुआ बस का, आपको एक बस यूजर की प्रॉब्लम को समझना है। वो बस यूजर बस में बैठ करके फिर उसको टाइम चलता है, फिर हम दूसरी बात। तो ये आने वाले टाइम पे ये बहुत जरूरी है, बस यूजर भी ये डिमांड करने वाला है, हम भी डिमांड करने वाले हैं कि भाई एक आप बेंचमार्किंग तो सेट करो कि मेरे को बस में बैठने, बाकी जगह पर प्रोफेसर सरकार इस बात से एग्री करेंगे आप दूसरी जगह पर जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे प्रिफरेंसेज हैं, रूट्स हैं, BRT है, बस ऑपरेशन रूट्स हैं वहाँ पर के, जिनके जिसकी वजह से सिग्नल पे बस को अलग से पहले क्लियर सिग्नल दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात, हम आने वाले समय में कुछ भी हो ये मल्टीपल व्हीकल ओनरशिप का कंसेप्ट आया इस वजह से क्योंकि और कोई माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था नहीं। लेकिन फिर भी अगर आने वाले समय जैसे बाहर भी किया गया, हमें पार्किंग को रेस्ट्रेन करना पड़ेगा, पार्किंग पॉलिसीज को भी हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हम जो बेंचमार्किंग को इम्प्रूव करेंगे तो शायद आने वाले टाइम पे और ये पॉसिबल हो सकता है। दिल्ली का हमने एग्जांपल देखा, दिल्ली ने, मुझे याद है 80s-90s में एक एक दिल्ली एक ऐसा जोन था कि आप कहीं भी चले जाओ, सेंट्रल सेक्टर चले जाओ, अब वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। तो पूरी दिल्ली एक्सेसिबल थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। हम बढ़ते चले गए, दिल्ली बाहर की तरफ बढ़ती चली गई, सर दिल्ली बढ़ती चली गई, दिल्ली के आसपास के इलाके बढ़ते चले गए, लेकिन उस हिसाब से वो जो पूरा हमारा पब्लिक, बिल्कुल सही बोला, वो फैला नहीं, मतलब ये पूरे जाल की तरह फैलना चाहिए जिससे हर बहुत सारे एरियाज हैं। सर लास्ट कमेंट सुजीत पटवर्धन सर आपसे लूंगी, मतलब जो डेटा है वो यही कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ही दूर भाग रही है। सर आपके एक्सपीरियंस में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे कोई तीन जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ पब्लिक और ज्यादा इंकरेज हो यूज करने। जो दो तीन सुझाव अभी आए हैं कि हर घर में दो तीन चार गाड़ियां होने लगी हैं और पार्किंग के चार्जेस के बारे में भी कुछ सुझाव आए हैं, मुझे लगता है कि इसमें एक बात हम कोई बात कर नहीं रहे हैं, वो ऐसी है कि प्राइवेट व्हीकल को डिस्करेज करने के लिए पॉलिसीज हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हाई पार्किंग इज मेंट टू डिस्करेज पीपल यूजिंग देयर प्राइवेट व्हीकल्स, ये भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ईज ऑफ यूज जितनी बढ़ेगी और प्राइवेट व्हीकल के लिए निर्बंध आएंगे तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज नो डाउट अ प्रॉब्लम, पर मैं प्रॉफिट लॉस के भाषा में नहीं बात करूंगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लॉस होता है जब कहते हैं हम लोग, तो सही नहीं है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बस में 40 लोग बैठते हैं और 40 से 50 गाड़ियां कम हो सकती हैं अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में बैठेंगे, तो ये कैसे हो सकेगा, इतनी रिलायबल कैसे हो सकेगी, उसका कंफर्टेबल कैसा अच्छा होगा, और मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोऑर्डिनेशन, ये सब बातें अगर आएंगी तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे कि अपनी खुद की गाड़ी बाहर नहीं निकालते हुए इस्तेमाल करेंगे, थोड़े भी हिस्से होंगे तो लास्ट मैन कनेक्टिविटी और कोई ऐसे रूल्स जिससे कि
जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में ज्यादा से ज्यादा इंकरेज हो, बहुत अफोर्डेबल, वेरी राइटली सेड डॉक्टर पीके सरकार। डॉक्टर सेवाराम सुजीत पटवर्धन सर हमारे साथ, ऐसे तमाम सुझाव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले सालों में सरकार प्रशासन की तरफ हमारे माध्यम से ये आपके तमाम सुझाव पहुंचे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पब्लिक दूर न भागे, यही है हमारी अपील। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही।